ग्रामीण व शहरी ओलंपिक की जिला स्तरीय प्रतियोगिता का समापन आज जिला खेल स्टेडियम में हुआ। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि विधायक राजेंद्र पारिक रहे, जिन्होंने बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए खेल को अनिवार्य बताया। ओलंपिक की टैगलाइन खेलेगा राजस्थान जीतेगा राजस्थान का पूरा सार बताते हुए उन्होंने प्रतियोगिता में दिव्यांगों की उपस्थिति को भी सराहा। बाकी मैं अपने ओर से शुभकामनाएं देता हूँ। माननीय मुख्यमंत्री महोदय की विशेष मंशा थी, मंशा का मंतव्य यही था, उनका जो स्लोगन है उसमें पूरा जो है सार छिपा हुआ है, खेलेगा राजस्थान जीतेगा राजस्थान। जब तक हम खेल के प्रति अपनी अभिरुचि नहीं बढ़ाएंगे, जब तक खेल के मैदान में प्रारंभ काल से बाल्यकाल से बच्चों को हम जो है प्रेरित नहीं करेंगे, तब तक खेलों के प्रति उनकी अभिरुचि पैदा नहीं होगी। नर्सिंग संवर्ग के समान वेतन सहित विभिन्न मांगों को लेकर राजस्थान फार्मासिस्ट एम्प्लाइज एसोसिएशन का धरना एसके अस्पताल में आज दूसरे दिन भी जारी रहा। कार्यकर्ताओं ने अपनी मांग को लेकर जमकर नारेबाजी की। प्रवक्ता मुरारी लाल चौधरी ने बताया कि अपनी मांगों को लेकर फार्मासिस्ट 8 सितंबर को जयपुर में धरना देकर महारैली निकालेंगे। 15 सितंबर तक मांग नहीं मानने पर कार्य बहिष्कार कर आंदोलन तेज किया जाएगा। सीकर में शिक्षक दिवस आज राजकीय मारू स्कूल में मनाया गया। सांस्कृतिक कार्यक्रमों के बीच इस दौरान जिला स्तर पर 3 व ब्लॉक स्तर पर 18 शिक्षक सम्मानित हुए, जिनमें जिला स्तर पर पुरस्कृत शिक्षकों को 11,000 तथा ब्लॉक स्तर पर सम्मानित शिक्षकों को 5100 रुपए नगद व प्रशस्ति पत्र दिया गया। कार्यक्रम में जिला शिक्षा अधिकारी लालचंद नहरिया, समसार डीपीसी विक्रम सिंह शेखावत सहित कई शिक्षा अधिकारी व शिक्षक मौजूद रहे। चयन की प्रक्रिया बहुत ही सरल है कि शिक्षक के द्वारा खुद के द्वारा आवेदन किया जाता है और जो जो डॉक्यूमेंट्स उनके द्वारा लगाए जाते हैं उन डॉक्यूमेंट्स के आधार पर हम एक समिति बनाते हैं और समिति बना करके उनके साथ लगाए हुए कागजों का वेरिफिकेशन करके हम नंबर निर्धारित करते हैं। ये नंबर पहले ब्लॉक में आते हैं, कुछ ब्लॉक से हमारे पास जिले में आते हैं, उनके आधार पर उनका चयन किया जाता है, बिल्कुल निष्पक्ष से चयन किया जाता है और चयन करके हम निदेशालय में भेज देते हैं, निदेशालय से उनको अनुमोदन हो जाने के बाद में कार्यक्रम में जिला शिक्षा अधिकारी लालचंद नहरिया, समसार डीपीसी विक्रम सिंह शेखावत सहित कई शिक्षा अधिकारी शिक्षक मौजूद रहे। एक प्रमाण पत्र जो विभाग की तरफ दिया जाता है, एक नाम तो तीन, मैं लालचंद नहरिया, CDO सीकर। सदर थाना इलाके में बीती रात सड़क किनारे चल रहे एक युवक की गाड़ी की टक्कर से मौत हो गई। मृतक रामगढ़ सेठान निवासी 35 वर्षीय अशोक कुमार था, जो ट्रक चलाने का काम करता था। 2 दिन की छुट्टी के बाद सोमवार को काम पर लौटने के बाद वह रात को बाईपास पर पैदल जा रहा था, तभी HP पेट्रोल पंप के पास एक वाहन ने उसे टक्कर मार दी, जिससे उसकी मौत हो गई।